हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई विकास और मैं आपके लिए लाया हूं आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो आपको पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 90% मार्क्स लाने में ये मदद करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल में जो भी वीडियो डालता हूं वो एकदम यूज़फुल होता है, मैं उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और ताकि आपको मेरे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनारी। मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो दोस्तों, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन दोस्तों धार्मिक प्रकृति की था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ यानी कब शुरू हुआ भारत में खिलाफत आंदोलन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन 1922 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। 1917 में पहला जूट मिल मुंबई में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है? तो दोस्तों, ऐसे तो मध्यम वर्ग होता है, लेकिन आप देखिए कृषक वर्ग को का भी शोषण किया जाता है और श्रमिक वर्ग का भी, और ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर आपको उपयुक्त सभी नहीं दिखे तो मध्यम वर्ग में लगाइएगा, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेशम मार्ग से। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। दोस्तों, ये सभी जो हैं ऐसे तो वीवीआई बोलते हैं, लेकिन ये सभी हैं बहुत ही वीवीआई हैं, तो इसलिए मैं आपको वीवीआई नहीं बोला, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन ही वीवीआई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए आपके लिए यही क्वेश्चन रहा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमानताएं के भूमिका जो है असमान है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित दोस्तों यहाँ देश होना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर 15वीं लोकसभा चुनाव में की गई थी, इसके बाद ही किया गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सॉरी दोस्तों, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, थोड़ा वीडियो इधर हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है क्यों, तो ये भी आता है। इसे आपको ऑब्जेक्टिव सिर पर आ रहा हूँ, इसलिए अभी मैं यही बात करूँगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है, तो हमें ज़रूर चैनल का सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको उससे कुछ लगता नहीं है दोस्तों, मेरा मनोबल भी बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, गुड नाइट।